गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे होंगे। चलिए, आज तक हमने एक्सरसाइज, कल जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर कर लिया था और जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आई होप आप उसे कर रहे होंगे। बट जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लोगों को, बेटा समझ में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मुझे कमेंट आप लोगों की ओर से पहुंच नहीं पा रहे हैं या आप लोग कर नहीं रहे हैं, हो सकता है या हो सकता है आप सभी के समझ में आ रहे हों, या ऐसे तो नहीं है कोई बच्चा वीडियो ही व्यू नहीं कर रहा, देख नहीं रहा, वीडियो ग्रुप में डाल रहे हैं हम स्कूल के ग्रुप में, TNS क्लास 10th की ग्रुप बना हुआ है हमारे, स्कॉलर्स एकेडमी का ग्रुप बना हुआ है बेटा, उसमें आप चेक कर लें सारे स्टूडेंट्स क्लास 10th के, ठीक है? तो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या निकालने हैं आपको, HCF और LCM फाइंड करने बेटा। By applying the prime factorization method, we have to find LCM and HCF by which method? Applying prime factorization, right? कौन सा method apply करना है? Prime factorization. चलिए prime factorization कैसे करते हैं, मैंने बता रखा है आप लोगों को, prime number से करते हैं। सबसे पहले 12 है, 15 and 21 question number, second और third आप जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ बेटा, ठीक वैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को होमवर्क में करेंगे, राइट? चलिए मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को। ये है आपका 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है बेटा? 2। 2 6 12, फिर 2 से जाएगा क्योंकि 6 है, 2 3 6। अब 3 खुद में एक प्राइम नंबर है, 3 1 3। ऐसी 15 का कर लीजिए, 15 में 2 का जाएगा नहीं, 3 से दे देते हैं, 3 5 15, फिर 5 में 5 खुद में एक प्राइम नंबर है, 15 का भी हो गया। वैसे ही 21 का करिए, 21 का देखो 2 से जाएगा नहीं, ऑड नंबर है, चलिए 3 से देके देखते हैं, 3 7 जा, और 7 जानते हैं आप लोग कि खुद एक प्राइम नंबर है, 7 1 7, राइट? ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। चलिए अब हम लिख देते हैं इनके फैक्टर। 12 इज इक्वल टू कितना है, 2 × 2 × 3, और 15 इज इक्वल टू 3 × 5, और 21 इज इक्वल टू 3 × 7। चलिए बेटा, ये तो हमने प्राइम फैक्टर उतार लिए। अब हमें निकालना, फाइंड क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, एचसीएफ ब्रैकेट में लिख लेते हैं 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू। बेटा एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था आपको कि इसमें ऐसे नंबर ढूंढते हैं जो तीनों में कॉमन हो, तीनों नंबर में कॉमन है। देखो 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो इस 3 को हम क्या कर लेते हैं, एचसीएफ मान लेते हैं, क्योंकि 3 के अलावा कोई दूसरा कॉमन है नहीं, तो दूसरा कॉमन होता तो मल्टीप्लाई 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो केवल आपका 3 कॉमन है तीनों में। देख लीजिए ये 3 जो है तीनों में कॉमन है, तो 3 आपका एचसीएफ हो गया। चलिए ऐसे ही एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखो इसमें 2 कॉमन नहीं है, 2 सबसे छोटी नंबर है, 2 2 दो बार आया तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू 2 आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया बेटा। चलिए ऐसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2, फिर 3 आपका 3 कॉमन है,
एच सी एम मैंने यहाँ पे निकाल दिया, एल सी एम के लिए जगह कम है, यहाँ से साफ दिखेगा नहीं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है एल सी एम इज इक्वल टू टू इंटू टू। देखो टू कॉमन नहीं है, किसी में कॉमन नहीं है, तो टू को ऐसे ही उतार देंगे, टू इंटू टू, और थ्री देखो तीनों में कॉमन है, तो थ्री हमने एक ही बार लिया है बेटा, थ्री को तीन बार नहीं लेंगे, क्योंकि दो तो एक ही लाइन में है, नीचे कहीं कॉमन नहीं है। अगर नीचे यहाँ इस वाले में भी होता तो दो से मल्टीप्लाई तब भी करते हम, अगर तीनों में होता तब हम एक ही बार लेते हैं, राइट। तो तीनों में नहीं है तो दो अलग 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 ही लेंगे, ऐसे ही लेंगे। थ्री तीनों में है तो एक बार कॉमन ले लिया, फाइव इंटू सेवन, देखो एक एक ही बार है, फाइव और सेवन, ऐसे कर दिया। देखो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए एलसीएम निकालने के लिए, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, सिक्स सेवन, सिक्सटी सेवन जा सिक्स, सेवन जा फोर्टी टू, फोर्टी टू आया और सिक्सटी का जीरो, राइट। चलिए ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही बेटा आप ये क्वेश्चन नंबर टू और थ्री आप खुद करेंगे, वीडियो पॉज करके बेटा आप इसे उतार लेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री उसका पार्ट। चलिए उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, गिवन दैट एच सी एफ, दिया हुआ है एच सी एफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी एच सी एफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, 9 है एच सी एफ, और फाइंड एल सी एम ऑफ दिस नंबर, यानी 306 और 657, 657 और 306 का एच सी एफ दिया हुआ है बेटा 9 है, और एल सी एम हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, पहले लिख लेते हैं एच सी एफ इज इक्वल टू कितना है हमारा 9, फर्स्ट नंबर ये है, चलिए फर्स्ट नंबर नहीं, टू नंबर डायरेक्टली टू नंबर्स लिख देते हैं, आर टू नंबर्स आर 306 एंड 657, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। चलिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका है एस सी एफ, एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, गुणनफल। चलिए एक काम कर लेते हैं, एच सी एफ की जगह पे एच सी एफ रख लेते हैं, कितना है 9 दिया हुआ है, इनटू एलसीएम हमें फाइंड करना है बेटा, एलसीएम दिया नहीं है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब जो टू नंबर दिए हैं इनका प्रोडक्ट है, 306 इंटू 657, राइट। चलिए एलसीएम ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट है, 306 इंटू 657 इनका प्रोडक्ट है, और अपॉन में देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक नंबर डिवाइड कर लीजिए इस 9 से, यहां इसको कर लीजिए यहां इसको, तो दोनों हो रहे हैं नहीं करके देख लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं, 9 7 जा 63 2 बचता है 27, यानी 9 3 जा 27, हाँ चलिए 9 7 जा 63 होता है बेटा, 9 7 जा 63, 65 में से 3 गया, कितना 63 गया, तो कितना बचा, 2 बचा, 2 बचने से 27 हो गया, और 9 3 जा 27 73 आ गया, राइट। और इसमें देते तो इसमें भी जा सकता था, 9 3 जा 27 3 बचा 36, 9 4 जा, यानी 3 और 4 34 आ जाता। चलिए इससे ये कार्ड कैंसिल आउट हो गया, तो एल सी एम बराबर क्या हो जाएगा आपका है, एल सी एम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 306 मल्टीप्लाई बाई 73, जितना आता है वो आपका आंसर। वीडियो पॉज करो बेटा, एल सी एम इज इक्वल टू 306 इंटू 73 करके हमने निकाल लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, आ रहा है आपका 22,338, हेंस
हैंस LCM CM 306.657 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 22,338 ये आपका आंसर हो गया राइट। थैंक यू। और बाकी आप कल बताएंगे, दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, उनको कर लेना बेटा। थैंक यू।